नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका माइंड क्रिप्टो में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ चैट क्रिप्टो एआई का प्रोजेक्ट शेयर किया था। जिसने भी ज्वाइन किया उनको थैंक यू, और जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो अभी जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, और ज्वाइन कैसे करना है उसका सब प्रोसेस उसमें बताया है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा, अभी जाके आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, चैट क्रिप्टो एआई में आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें केवाईसी आ चुकी है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो हमको केवाईसी कैसे कंप्लीट करनी है, क्या प्रोसेस रहेगी केवाईसी करने की, ये वीडियो में आगे चल के बता दूंगा आपको। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं हमारे केवाईसी की तरफ। हम अभी चैट क्रिप्टो एआई के डैशबोर्ड पे आ गए दोस्तों, जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हमारे टोकन कलेक्ट होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल यूज़र है इनके 5,29,000 यूज़र हो चुके हैं कंप्लीट, और मेरे जो टोकन है यहाँ पे देख सकते हो 1,52,000 टोकन कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। अगर आपका अकाउंट नहीं है इसमें तो अभी जाके अकाउंट बनाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर जो 3 लाइन है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है केवाईसी का, यही पे आपकी केवाईसी होगी। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है केवाईसी का, इस पे आपको क्लिक करना है। और दोस्तों आपके सामने ये केवाईसी का फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आपको ये कैसे फिलअप करना है, क्या क्या सिलेक्ट करना है, कैसे प्रोसेस रहेगा, ये सब मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो चूज फाइल है इस पे आपको क्लिक करके अपना आईडी प्रूफ देना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी दे सकते हो। बट याद रहे दोस्तों, आपका जो भी फ़ोटो होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, वो 2 MB से नीचे होना चाहिए। आप अपना फ़ोटो का साइज़ चेक कर लेना कितना है। जो भी डॉक्यूमेंट है अपलोड होने के बाद आपके सामने इमेज का ये जो नाम होगा कोई भी, ये आपके सामने शो करेगा। ये नाम शो करता है तो समझ जाना अपना डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो आपको उसके बाद क्या करना है, ये जो नीचे ऑप्शन दिए है, आपका ईमेल आईडी वगैरह ऑलरेडी सेट होगा यहाँ पे, जिस ईमेल से आपने अकाउंट बनाया है। तो आपको ये प्री सेल में, इनके जो भी प्री सेल होगी उनमें ये पार्ट लेने को कहेगा। तो हमको पार्ट नहीं लेना है, हमको बस केवाईसी करनी है। ये आपसे पूछ रहे हैं ये फर्स्ट राउंड में आप प्री सेल में पार्ट लोगे या सेकेंड राउंड में लोगे, कितना मिनिमम डिपॉजिट करोगे, ये सब पूछ रहे हैं। आप लोगों को कोई भी डिपॉजिट नहीं करना है, बस आपको केवाईसी करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी ऑप्शन है दोस्तों ये सब में आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, जो छोटा अमाउंट है मिनिमम, उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों ये सारे के सारे क्लिक करने के बाद आपको ये लास्ट में ऑप्शन आएगा, उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप जो भी मिनिमम अमाउंट है उस पर आपको क्लिक करना है, और लास्ट में आओगे ये जो 5th नंबर का ऑप्शन है, आर यू बाइंग इन ऑल सेल्स राउंड, मतलब इनके जो भी राउंड्स आने वाले हैं, जितने भी प्री सेल आने वाले हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, टोकन बाय करोगे, ये पूछ रहे हैं ये लोग। तो आपको बाय नहीं करना है। अगर ये जो फर्स्ट वाला है जो बीच में दिख रहा है, इसको आप क्लिक करते हो तो इन्होंने बोला है अगर आप यस करते हो तो आई वॉन्ट टू डिपॉजिट टोटल अमाउंट फॉर ऑल राउंड्स, मतलब यहाँ पे आपने जितने भी अमाउंट सिलेक्ट किए, इनकी जो जितनी भी टोटल होती है, इस सारी की सारी टोटल आपको यहाँ पे डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, तो आपको ये जो नो वाला है इस पर आपको क्लिक करना है, लास्ट में है नो वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। और ये सब होने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों अपलोड पे क्लिक कर देना है। और अपलोड पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, योर केवाईसी डॉक्यूमेंट इज अंडर वेरिफिकेशन, मतलब हमारी जो केवाईसी है दोस्तों वो अभी अंडर प्रोसेस में है। अगर आपकी केवाईसी अप्रूव होती है तो आपको भी ऐसा ईमेल आ जाएगा, ये देख सकते हो ये मेरी केवाईसी अप्रूव हो चुकी है। तो आप लोग भी चेक कर लेना अपना ईमेल बॉक्स। तो केवाईसी का ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है दोस्तों, छोटा सा ही प्रोसेस है, बस ध्यान देना है आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो 2 MB से कम होना चाहिए, वरना आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, केवाईसी नहीं हो पाएगी आपकी। आई होप दोस्तों आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप माइनिंग एंड बाय बाय, थैंक यू।